स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप इग्नू के न्यू स्टूडेंट है, आपका एडमिशन जुलाई सेशन 2020 में हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इग्नू के कुछ इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप इग्नू के स्टूडेंट मोबाइल एप्लीकेशन में लॉग इन करते हैं तो वहां पर लॉग इन नहीं होता है, और आप अपने बुक का स्टेटस चेक कर रहे हैं तो कुछ भी डिटेल ओपन होकर नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है और इन सभी समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप इग्नू के स्टूडेंट मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, प्रोग्राम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ से आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है लॉग इन नहीं होगा। यहाँ पर जो है आपका इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड बताएगा, या फिर डाटा नॉट फाउंड बताएगा, या फिर इनरोलमेंट नंबर नॉट एग्जिस्ट बताएगा। तो यहाँ पर ऐसा किस लिए आ रहा है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लॉगिन किया तो यहाँ पर देखिए नो डाटा फाउंड आ रहा है और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है अभी आपका डेटा अपडेट नहीं हुआ है। जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो इग्नू के जो है सर्वर में आपके डेटा को अपडेट होने में टाइम लगता है। यहाँ पर जो है सिर्फ आपका अभी एडमिशन कन्फर्म हुआ है, आपको एनरोलमेंट नंबर मिला है और आईडी कार्ड मिला है, पर अभी जो है आपका डेटा जो है पूरी तरीके से इग्नू के सर्वर में अपडेट नहीं हुआ है। जैसे कि इग्नू के स्टूडेंट मोबाइल एप्लीकेशन में आपका डेटा अपडेट नहीं हुआ है और इग्नू के और भी कई ऐसे पोर्टल है जहां पर आपका डेटा अपडेट नहीं हुआ है। तो अभी जो है आप अपने डेटा का अपडेट होने का वेट कीजिए। जैसे यहां पर आपका डेटा अपडेट हो जाएगा तो यहां पर आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। जब आप यहां पर लॉगिन करेंगे तो यहां पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां पर जो है किस तरीके से आप इस मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन में आपको इग्नू की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दिया जाता है, इसके ऊपर मैंने पहले ही डिटेल में वीडियो बना दिया, ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ ही में यहां से आप आईडी कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा ऊपर आई बटन पे, तो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो यहां पर जो है अभी आप अपने डेटा का अपडेट होने का वेट कीजिए। जैसे आपका डेटा अपडेट हो जाएगा तो यहां पर आप अपना लॉगिन कर पाएंगे। और साथ ही में आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ पर नीचे करते हैं और यहाँ पर आपको दिखता है स्टडी मटेरियल स्टेटस, इस पर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है आप अपना स्टडी मटेरियल का स्टेटस चेक करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी जो आपके स्टडी मटेरियल का डिटेल कुछ भी ओपन होके नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए अभी जो है जुलाई सेशन 2020 का ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो आप किसी एक पर क्लिक करके अपना स्टडी मटेरियल का स्टेटस चेक करते होंगे तो यहाँ पर जो इस प्रकार का इंटरफेस आता होगा और यहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालते होंगे और सबमिट करते होंगे तो यहाँ पर जो है नो डेटा फाउंड बताता होगा, या फिर इनवैलिड इनरोलमेंट नंबर बताता होगा, या फिर इनरोलमेंट नंबर नॉट एग्जिस्ट बताता होगा। तो ऐसा किस लिए हो रहा है, यहाँ पर जो अभी आपका डेटा अपडेट नहीं हुआ है जिसके कारण ये अभी हो रहा है। और जब आपके स्टडी मटेरियल का स्टेटस इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा, यहाँ पर इनका क्या मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर कोर्स कोड दिया गया है, यहाँ पर बार कोड दिया गया है और यहाँ पर ये सभी चीजें जो दिया गया है, जैसे कि मटेरियल रिटर्न स्टेटस, इन सभी का क्या मतलब होता है, इन सबके ऊपर मैंने पहले ही डिटेल में वीडियो बना दिया है, ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको स्टडी मटेरियल के स्टेटस के बारे में सभी जानकारी अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पर जुलाई सेशन 2020 का बुक का स्टेटस इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि अभी जो है एडमिशन स्टार्ट ही है। जब एडमिशन क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद जो है एक महीने बाद तकरीबन यहाँ पर जो है जुलाई सेशन 2020 का ऑप्शन अपडेट किया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आप अगर आपका जुलाई सेशन 2020 में एडमिशन हुआ तो आप यहाँ पर बुक का स्टेटस चेक कर सकते हैं। बाकी इनका क्या क्या मतलब होता है, ऊपर आई बटन पे वीडियो दिया गया है, आप चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है इस प्रकार से और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कोड लिखा होता है, इन सभी सब्जेक्ट कोड का आप बुक जो है पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए पूरा डिटेल में वीडियो लेकर के आ सके। तो अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। और साथ ही में आप क्या करते हैं कि इग्नू के पोर्टल पर आते हैं और यहाँ पर आप जो अपना इनरोलमेंट नंबर डालते हैं, प्रोग्राम कोड डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, या फिर आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर भी आप अपना सभी डिटेल डाल करके लॉगिन करने का कोशिश करते हैं तो यहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो भी जुलाई सेशन 2020 के न्यू स्टूडेंट है उनका यहाँ पर अभी लॉगिन नहीं होगा क्योंकि अभी आपका यहाँ पर डेटा ही अपडेट नहीं हुआ है, जिसके कारण अभी यहाँ पर लॉगिन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर लॉगिन करने का फायदा ये है कि यहाँ से जो है आप अपने एडमिशन का सभी डिटेल चेक कर सकती है। जब यहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पर आपका सभी एडमिशन का डिटेल ओपन होके आ जाएगा। साथ ही में आप नीचे करेंगे
तो यहाँ पर आपके कोर्स का सभी डिटेल आ जाएगा और यहाँ पर आपको इग्नू की तरफ से जो भी सुविधाएं दिया जाता है यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो भी सुविधाएं दिया जाता है इसके ऊपर भी आपको हमारे चैनल पर डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी आप इस बात का ध्यान रखिए, अभी यहाँ पर आपका जो है कहीं पर लॉग इन नहीं हो रहा है और ना ही बुक का स्टेटस आपको कुछ भी दिखा रहा है। तो अभी आप ज्यादा परेशान मत होइए, अभी आपका डेटा अपडेट नहीं हुआ है। जैसे आपका डेटा अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर आप हर जगह पर लॉग इन कर पाएंगे और बुक का स्टेटस भी आप चेक कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारा वेबसाइट है techguidenaveen.com, यहाँ पर आकर के जो है आप एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।